ब्रांच में लाया हूँ एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन इफ r*(2r*, यानी कि r स्टार क्या है उसके बारे में आगे सवाल बताया गया है। इफ x का वैल्यू क्या है, तो 1/x है और हमको दिखाना है कि ये वन वन फंक्शन है और ऑटो फंक्शन है। तो याद कीजिए पहला बात कि हम थ्योरी में पहले बता चुके हैं, अगर आप मेरी थ्योरी से आप लोग कॉरिलेट नहीं है, उससे जुड़े हुए नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 1.2 की थ्योरी की वीडियो की लिंक दी गई है, आप प्लीज उसको पहले खोलकर देख लें ताकि आपकी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किसको बोलते हैं ऑटो किसको बोलते हैं वन वन। तो खैर हम फिर से चर्चा करते हैं। ऑटो जो होता है कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, कोडोमेन और रेंज दोनों अगर बराबर हो गया तो उसको बोलते हैं ऑन्टो, अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ उसको बोलते हैं इंटू। मिनिमल और ओवरमन ये दोनों उल्टा होता है। मिनिमल में क्या होता है, तो मिनिमल में दो से ज्यादा ए से निकलकर सेम बी में एलिमेंट का इमेज बनता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1/x और हमको 1/1 दिखाना है और ऑन्टो दिखाना है, दो चीजें दिखाना है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि r स्टार रियल नंबर है बट जीरो को छोड़कर नॉन जीरो रियल नंबर। इसमें एक और सवाल बोल रहा है कि यदि r स्टार को नेचुरल के जगह पे इसको रिप्लेस किया जाए, यानी कि इसको अगर नेचुरल नंबर के सेट के अगर रिप्लेस कराते हैं तो क्या सेम होगा r स्टार के जैसा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला बात कि हमको सवाल में दिया हुआ है fx = 1/x। अब हमको ये भी पता है कि r फंक्शन कैसा है, तो r स्टार टू r स्टार है। अब r स्टार का मतलब क्या, तो नॉन जीरो का सेट, तो चलिए नॉन जीरो का सेट मानते हैं। एक दो सेट हम बनाए हैं, ये भी r स्टार है, ये भी r स्टार है और इसमें जो फंक्शन है वो fx है। फंक्शन fx है, rx का वैल्यू f में फंक्शन है, फंक्शन r2r है। अब इस r स्टार में जीरो को छोड़कर बाकी सब लेना है, तो जीरो को छोड़कर यानी कि जीरो को छोड़कर तो वन और इसके बीच में भी रहेगा -1 -1 -2 ऐसे करके ऊपर में भी 2 3। ये डॉट का मतलब है कि रियल नंबर तो 1. कुछ कुछ भी होते हैं, नीचे में भी होंगे लेकिन जीरो शामिल नहीं है। जीरो को यहाँ पे हटा दिया गया, जीरो को काट दिया गया। इस r स्टार में भी वैसा ही होने वाला है, 1 और इसके बीच का सभी डिजिट यानी कि 1.2 या 0. कुछ कुछ होगा, तो एक डॉट डॉट का मतलब ये होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो 2 आगे बढ़ते हैं ऐसे जाएंगे, यहाँ भी जीरो को शामिल नहीं करना है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं x का वैल्यू पहले वाले पार्ट से लिया जाता है, तो पहले पार्ट में 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ रियल में 1.5 भी है, -2.5 ले सकते हैं, -1.6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसी सेट से लेना है। हम x का वैल्यू अगर 2 लिए हैं तब fx का वैल्यू क्या होगा, तो अगर x का वैल्यू अगर 2 लिए हैं तो fx का वैल्यू आपका बनेगा 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 2 लेने पर इमेज 0.5 बनेगा और 0.5 इसी के बीच होगा, 0 तो होगा नहीं लेकिन इसी के बीच होगा। हम x का वैल्यू और चेक करने के लिए लेते हैं, सपोज दैट 1 ले लिया तो fx का वैल्यू क्या होगा, तो fx का वैल्यू 1/1, 1 को अगर लेंगे तो 1 में ही इमेज जाकर बनाएगा। अगर इसी का पूरा इधर से इसी का भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 0.5 ले लिया, तो अगर 0.5 ले लिया तो x का वैल्यू क्या बनेगा, अगर यहाँ 0.5 ले लिया तो fx का जो वैल्यू बनेगा वो 2 बनेगा, यानी कि 0.5 कहीं बीच में होगा, इसका इमेज बनेगा 2 में। तो इसी तरह से और भी चीजों को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं सबका इमेज बनेगा, ये तो फुल गारंटी है सबका इमेज बनेगा। लेकिन सबका इमेज अगर बन भी जाएगा तो क्या कभी ऐसा होगा कि 2 गो से निकल कर किसी सेट में बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यानी कि कभी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि 2 का सेम इमेज बी में बनेगा। तो यहां से पता चला कि अगर ऐसा चीज जब हो जाए तो सब में तो जाके कहीं ना कहीं एरो मिल ही जाएगा क्योंकि ये रियल का सेट है,
तो यहाँ से हमको पता चला कि कोर डोमेन और रेंज बराबर है, इसलिए ये क्या है अनंत है। दूसरा बात कि ये मेनीवन है क्या, ये मेनीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा एलिमेंट बी में मिल ही नहीं सकता है। कभी ऐसा होगा कि पहले वाला सेट से दो होगा, दो से एरो निकल कर सेम में इमेज बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। चलेगा तो हम यहां देख पा रहे हैं क्या कभी ऐसा होगा कि दो से एरो निकल कर सेम इमेज बनाएगा? कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है क्योंकि अगर किसी सेट इस सेट से अगर कोई भी दो को एलिमेंट अगर पकड़ेंगे तो सेम इमेज बिने नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि मेनीवन नहीं बनेगा, यानी कि यहां से पता चला कि लिख सकते हैं टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज नॉट सेम इमेज इन सेकेंड सेट। अब फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का मतलब हुआ कि पहले वाला आर स्टार दूसरे वाला आर स्टार, इसको हम ए भी मान सकते हैं, हम फर्स्ट सेकेंड बोल रहे हैं। तो कभी नहीं ऐसा होगा कि दो या दो से अधिक एलिमेंट फर्स्ट से निकलकर सेकेंड में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि नॉट मेनीवन, यानी कि मेनीवन नहीं होगा। और जब मेनीवन नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वन वन हो जाएगा, वन वन होगा। इस तरह से सो ये फाइनली जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हुआ, तो इट इज वन वन, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ये वन वन ऑन टू प्रूफ हो गया। तो ये वन वन, अब हम लोग चलिए देखते हैं पहला पार्ट का तो सॉल्यूशन किए कि ये कौन कौन सा फंक्शन दिखा रहा था, वन वन भी है और ऑन टू भी है। दूसरा नंबर बोला है कि आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन। आर स्टार का मतलब आप क्वेश्चन को बुक में से क्वेश्चन नहीं लेता, डोमेन के बारे में लिखा हुआ है कि डोमेन को रिप्लेस करना है। तो अगर हम आर स्टार को अगर रिप्लेस करके अगर नेचुरल नंबर बनाएंगे तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक होता है। यानी कि इस सेट को समझेंगे कि पहला वाला जो डोमेन का आर स्टार है उसको हम लोग रिप्लेस कर दिया। तो अगर डोमेन का आर स्टार अब जो बन गया वो सेट कैसा बना, आर स्टार चूंकि एन हो गया है रिप्लेस कर रहे हैं तो यहां बनेगा 1 2 3 4 5 6 ये सेट है। हमेशा रियल नंबर का सेट जो होता है 1 और 2 के बीच में डॉट डॉट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसके बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, सेकेंड वाले जो सेट है वो आर स्टार तो रियल नंबर का ही है बट जीरो को छोड़कर, यानी कि 1 और इसके बीच में भी बहुत सारा एलिमेंट होगा, -2 और इसके बीच में भी होगा, 2 और इसके ऊपर भी होगा। डॉट डॉट का मतलब हुआ कि रियल का सेट है, 1 और 2 के अनंत संख्याएं हो सकते हैं रियल का, इसलिए हम इसको यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर स्टार का सेट है, ये आर स्टार का सेट है लेकिन ये आर स्टार रिप्लेस करके ये बन गया है नेचुरल। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल बोल रहे हैं कि क्या आर स्टार सेम होगा, यानी कि कोर डोमेन के सेम होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहां से भी तो वही बात है ना, एफ एक्स का वैल्यू किसमें, तो एफ एक्स का वैल्यू 1/x दिया है। अगर इस वैल्यू को अगर चेक कर लिया जाए तो एक्स का मान सपोज दैट मेरे में 3 दिया गया, तो 3 दिया गया तो 3 का क्या बनेगा, 3 का बनेगा 1/x, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, तो 1/3, इसका मतलब 0.3 का बार। तो अगर 3 लिए हैं तो 0.3 का बार मिला, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। दूसरा कि अगर x का वैल्यू 4 ले लिया, तो x का वैल्यू 4 लेने पे एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0.25 होगा। यानी कि x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 0.4, 5 लेंगे 6 लेंगे ऐसे करके लेंगे तो ये चीजें बदल जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर 8 लेंगे तो fx का वैल्यू क्या बनेगा, 1/8, इसका मतलब ये हुआ
कि 0.12 ऐसे करके समथिंग बनेगा, यानी कि अगर 8 लेंगे तो यही बनेगा, यानी कि इसी के बीच बनेगा। लेकिन आप देख क्या पा रहे हो ना कि माइनस वाला किसी में इमेज बनेगा, मतलब इससे कितना भी एरो निकल के चल जाए हमको मतलब नहीं है, लेकिन सब अगर एरो निकल कर जाएगा तो हमेशा जीरो माइनस एक और एक के बीच में, यानी कि जीरो और एक के बीच में इमेज जाकर बनाएगा, कभी भी टू नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर टू लेंगे तो 1/2 बनेगा, 5 लेंगे तो 1/5 लेंगे, वही नहीं माइनस वाला सेट तो बचा का बचा रह जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि इधर से किसी का भी अगर इमेज बनाना चाहेंगे तो पूरा कोड और रेंज बराबर नहीं होगा। तो यहां से निकल सकता है, यानी कि यहां चीजें आपको फिगर से समझना है कि कोई भी चीज लेंगे तो इसको अगर 1/x में फंक्शन को अगर मैच कराएंगे इधर जाकर एरो से, तो निगेटिव वाला तो कभी एरो जाकर पहुंचेगा ही। क्यों? क्योंकि ये खुद निगेटिव नहीं है, पहला बात। दूसरा कि अगर कितना भी चीजें अगर ले लेंगे तो इसको अगर इनवर्स करेंगे, 1/2 में करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में ही सब जाकर इमेज बनाएगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि क्या इज द सेम, यानी कि क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो यहाँ पता चला हियर इज कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कि यहाँ कोडोमेन रेंज के इक्वल टू नहीं है, यहाँ कोडोमेन बराबर नहीं है। तो इस तरह से पहला का दो क्वेश्चन बोल रहा था। पहला तो ये बोल रहा था कि दिखाएं कि 1/1 भी है और 2 भी है, और दूसरा बोल रहा था कि यदि आर स्टार जो कि डोमेन का होना चाहिए अगर उसको नेचुरल से अगर रिप्लेस करा दें तो क्या सेम होगा आर स्टार के जैसा, तो कोऑर्डिनेट और रेंज सेम नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोल रहा है कि इंजेक्टिव को चेक करना है और सब्जेक्टिव को चेक करना है, अलग अलग क्वेश्चंस नीचे जो दिया हुआ है। इंजेक्टिव का मतलब हम आपको थ्योरी में बताए थे कि इंजेक्टिव का मतलब होता है 1/1 और सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन ट्यू। तो हम जो अब दूसरे के और भी पहले दूसरे करके सवाल है, दूसरे में टोटल 5 सवाल है, तो सबको चेक करना है कि कौन इंजेक्टिव है कौन सब्जेक्टिव है, या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि इंजेक्टिव का नाम ही 1/1 है और इसका नाम ऑन ट्यू है, तो 1/1 है कि ऑन ट्यू है। तो पहला बात देखिए कि सेट क्या है, नेचुरल टू नेचुरल है तो हम लोग सेट बनाए नेचुरल का, इसमें भी नेचुरल का, नेचुरल का सेट जानते ही है, नेचुरल का होता है प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत। तो ये नेचुरल का सेट है, ये नेचुरल का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम है f, यानी कि फंक्शन n2n है, और गिवन है यहाँ पे गिवन fx का जो वैल्यू है x² के बराबर है, fx का वैल्यू x² के बराबर है, यानी कि अगर यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो fx का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 लिया तो fx का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 4, 2 का स्क्वायर। x का वैल्यू 3 लिया तो fx का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 9, यानी कि 1 का इमेज तो 1 में बनेगा, 2 का इमेज 4 में बनेगा, 3 का इमेज इसी तरह 9 में बनेगा, 4 का 16 में बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि 2 और 3 तो बच जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें से ए वाले सेट से या फिर पहले वाले सेट से किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा हो जाएगा ना 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और रेंज वही होगा जैसे 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, जिसमें जाकर एरो मिलेगा। तो यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं अगर कोडोमेन और रेंज बराबर रहता तो ऑन टू, तो यहाँ अगर बराबर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं नोट ऑन टू, यानी कि ऑन टू का नाम ही है सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं है, नोट सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं है। आगे चेक करते हैं, अब सब्जेक्टिव तो चेक करना है, चेक हो ही गया, अब हमको इंजेक्टिव चेक करना है। तो इंजेक्टिव वाले केस में इंजेक्टिव को बोलते हैं 1/1, और 1/1 और मेनी 1 दोनों उल्टे होते हैं,
और वन वन और मेनी वन में पहले हम लोग मेनी वन को चेक करते हैं। अब मेनी वन को चेक कैसे करते हैं, तो मेनी वन का चेक करने का तरीका है कि लेफ्ट वाले पार्ट से दो एरो निकल कर सेम इमेज बनना चाहिए। तो जरा आप सोचिए कि अगर इससे कोई दो से एरो निकल कर किसी सेम में बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। मतलब कि चार तो सिर्फ और सिर्फ दो ही का स्क्वायर होता है और किसी का स्क्वायर होता नहीं है। फोर है तो फोर का स्क्वायर तो 16 होता है और किसी का स्क्वायर तो 16 होता नहीं है। तो यहां से पता चला कि नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, यानी कि दूसरे सेट में पहले वाला सेट एलिमेंट से पहले वाला सेट एलिमेंट का कोई भी ऐसा दो या दो से अधिक एलिमेंट नहीं है जो जाकर सेम इमेज बनाएगा दूसरे सेट में, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मेनी वन नहीं है। जब ये मेनी वन नहीं है, अगर मेनी वन हो जाता तो वन वन नहीं होता क्योंकि वो दोनों उल्टा रिलेशन है। तो ये मेनी वन नहीं है इसका मतलब है कि वन वन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर बनेगा कि वन वन, इसका मतलब इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव। तो राइट आंसर बनेगा इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, बट नॉट सब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं अब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। इस पर फंक्शन जो है जेड टू जेड है, जेड का मतलब होता है इंटीजर। जेड को याद रखिए, जेड का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं तो 0, -1, -2, -3 और 0 के बाद में भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होते हैं। तो चलिए जेड है इंटीजर का सेट है और फंक्शन किसमें किसमें है, जेड टू जेड में है, तो हम जेड टू जेड बनाए। एक जेड का सेट इधर है, एक जेड का सेट इधर है और दोनों में फंक्शन ऐसे है। अब जेड में क्या सेट है, किसका सेट है, तो एक इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर को हम लोग डालें 0, 1, 2। अब इसके बीच में डॉट डॉट क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि डॉट डॉट तो रियल में होता है, जेड में तो होता नहीं। जेड में 0 के बाद डायरेक्ट 1, 1 के बाद 2 पूर्णांक संख्या, 2 के बाद 3। तो जेड वाला केस में हमेशा सेट ऐसे ही बनाते हैं अनंत तक, और -1, -2, -3। यहाँ पे बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 और ऊपर बनेगा -1, -2, -3 और डॉट। अब हमको देखना है यहां से एफ एक्स का वैल्यू दे चुका है एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि चेक करेंगे पहले तो एक्स का वैल्यू आप देखिए, तो अगर -2 लेंगे फिर भी एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, तो -2 का स्क्वायर 4 बनेगा। अगर एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में -2 का भी इमेज आएगा और 2 का भी इमेज बनेगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 2 का अगर 1 में बन गया तो मेनी वन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 4 लेंगे या फिर 1 लेंगे तो fx का वैल्यू भी 1 होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का इमेज जाकर 1 में बनाएगा। अगर x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं फिर भी fx का वैल्यू 1 ही बनाएगा, यानी कि -1 का भी इमेज 1 और 0 का इमेज 0 बनाएगा, 0 का स्क्वायर 0। चलिए आप अब दिमाग लगाइए कि पहला क्या यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। कारण क्या कि यहाँ से किसी का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वाला पार्ट में तो जाकर एरो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला एरो नहीं मिलेगा, -2 में किसी का नहीं मिलेगा, -4 में किसी का नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्या पता चल रहा है, तो कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 1-1 नहीं है, नॉट ऑन टू नहीं है, यानी कि ऑन टू नहीं है। इसका मतलब क्या, सब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव का नाम ही है ऑन टू। अगर आपको देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्योरी की लिंक दी गई है, प्लीज आप उसको पहले देख लो तभी समझ आएंगे कि ऑन टू, इन टू, मेनी वन और वन वन, क्योंकि उस
थ्योरी हम पहले देते हैं किसी भी चैप्टर का, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग सॉल्यूशन करने के दौरान सिर्फ सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नोट बुक। अच्छा फिर अगर बात करते हैं, ये तो नोट बुक हो गया। अच्छा फिर क्या यहाँ से दो से एरो निकल कर सेम में बन रहा है? तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल, टू और मोर देन टू एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू। यानी कि दूसरे सेट में दो से ज्यादा है, यानी कि दो कम से कम दो तो है ना, दो से निकल कर सेम में जा रहा है, इसका मतलब है क्या है, मेनी वन है, ये मेनी वन है लेकिन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है। तो जब वन वन नहीं है तो इसका हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि इसलिए इट इज, ये क्या है, नॉट वन वन, यानी कि नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है बट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव हाँ सॉरी हाँ ये भी सब्जेक्टिव नहीं है तो बट नॉट सब, यानी कि वन वन भी नहीं है, वन टू भी नहीं है, तो यहाँ दोनों चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा। फंक्शन देखिए आर टू बार है, आर टू बार फंक्शन है और एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग को फाइंड करना है, चेक करना है कि क्या ये वन टू है इन टू है। तो फटाफट काम किए, आर का सेट बनाए, और हम बार बार बोल रहे हैं आर का मतलब होता है रियल, और रियल का सेट होता है एक फंक्शन, रियल का सेट जीरो भी होता है और उसके बीच की संख्या एक दो और उसके नीचे भी और उसके बीच में भी माइनस वन माइनस टू और उसके ऊपर भी, यानी कि रियल का सेट जो होता है वन टू आगे भी माइनस वन माइनस टू, इसका मतलब होता है कि इसके इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर है। और यहाँ से हमें बोल रहा है, दिया हुआ है सवाल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ से चेक करने के लिए एक्स का वैल्यू कुछ भी उठा लीजिए, सपोज दैट जीरो, तो एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा जीरो क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो का इमेज जीरो बन गया। अगर मान लिया कि माइनस वन, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस वन का अगर स्क्वायर करेंगे तो वन बनेगा और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन बनेगा, यानी कि वन पे भी वन। ऐसा देख पा रहे हो कि किसी का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वाला पार्ट तो नहीं आकर मैच करेगा, मतलब कि इधर से एरो निकल करके कभी इधर नहीं जाएगा। जब ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ से कैलकुलेशन निकाले कि कोर डोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से कितना का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर जाके नहीं मिलेगा, तो कोर डोमेन और पूरा रेंज तो बराबर नहीं हुआ ना, क्योंकि रेंज तो इधर से इधर होगा। अच्छा दूसरी बात कि कोर डोमेन रेंज बराबर नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि नॉट ऑन टू, और ऑन टू नहीं है इसका मतलब कि इंजेक्टिव नहीं है। और दूसरी बात कि माइनस वन और वन का इमेज सेम बन रहा है, तो यहां से लिखेंगे कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन बी या सेट टू। दूसरे सेट में दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो तो यहां है ना, अधिक नहीं है फिर भी चलेगा, तो यहां पे है मेनी वन, यानी कि ऐसा होता है तो मेनी वन हो जाता है, और जब मेनी वन हो जाता है तो वन वन नहीं होता है क्योंकि ये दोनों उल्टा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये नॉट वन वन हुआ, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनली बोलेंगे कि ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब है कि नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, यानी कि इंजेक्टिव भी नहीं हुआ सब्जेक्टिव भी नहीं। अब देखते हैं दूसरा का चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में आप देख पा रहे होंगे फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल का नंबर प्राकृतिक संख्या, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखाना होगा नेचुरल टू नेचुरल सेट है, यानी कि यहाँ भी नेचुरल है यहाँ भी नेचुरल है और दोनों फंक्शन एन टू एन है। अब नेचुरल में कौन कौन सा सेट डालें, तो चूंकि नेचुरल दोनों नेचुरल है तो हम लोग नेचुरल का सेट डाल सकते हैं। नेचुरल का सेट होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके दोनों का सेट हो गया। यहाँ से जो फंक्शन दिख रहा है एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू है,
तो चलिए यहां से देखते हैं, चेक करते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू चूंकि एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो अगर एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो एफ एक्स का भी वैल्यू वन ही होगा, क्योंकि एक का क्यूब करेंगे तो एक होगा, बिल्कुल सही। अगर हम अगर x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो fx का वैल्यू कितना बनेगा, 8 बनेगा, यानी कि 2 का और आगे जाएगा 5 के नीचे 6, 7, 8। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप 1, 2, 3, 4 इधर भी स्टेट बना सकते हैं, वैसे आपके अकॉर्डिंग आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं इसे। अच्छा, x का वैल्यू 3 लेंगे तो fx का वैल्यू बनेगा 27, यानी कि 3 का और नीचे बनेगा कहीं 27। आप क्या देख पा रहे हैं यहां से कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन एक से लेके अनंत तक होगा और रेंज वही वही होगा जिसका क्यूब होता है, जैसे 1, 8, 27, 64 ऐसे करके उसका रेंज होगा। तो यहां से पता चला हमको, ठीक है, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं नॉट ऑन टू होगा, ये ऑन टू जिनका मतलब इंटीजर नंबर। यहाँ पे हम लोग फंक्शन z2z है और हमको fx का वैल्यू दिया है x क्यूब, तो अब चेक करना है कि क्या 1, 1 और 1, 2 है। तो z के लिए अगर सेट अगर माने तो z के लिए सेट क्या हो सकता है, तो 0, 1, 2, 3 नीचे भी होगा और -1, -2, -3 ऊपर भी होगा, 0, 1, 2, 3 नीचे भी, -1, -2 और इसके ऊपर भी। और यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू जो दे रखा है वो x का क्यूब करना है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, अगर 0 लेंगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा 0 का क्यूब 0 होगा, वही नहीं अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एफ एक्स का वैल्यू अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि 0 का इमेज बनेगा 0 में, 1 का इमेज बनेगा 1 में। अगर हम x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, अगर x का वैल्यू अगर -1 देते हैं तो -1 का क्यूब तो -1 होता है, यानी कि -1 का इमेज -1 जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो fx का वैल्यू क्या बनेगा, 8 बनेगा, यानी 2 का कहीं ना कहीं नीचे जाएगा 8 में, अगर -2 का लेंगे तो इसका भी बनेगा -8, -2 का क्यूब -8, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा -8। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां से कोडोमेन और रेंज बराबर होने का संभावना है, नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में तो पूरे सेट आ जाएंगे और रेंज वही वही होगा जहां से एरो जाकर आएगा, मतलब कि जहां एरो जाकर मिलेगा तो रेंज में माइनस होगा 0, 1, फिर इधर बनेगा 8, -8, ऐसे करके रेंज बनेगा, लेकिन रेंज में तो -2, -3, -4, 2, 3, 4 शामिल नहीं होगा, इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि हियर यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, दूसरा बात कि क्या ए वाले पार्ट से दो अलग अलग से एरो निकल कर सेम मिल रहे हैं, तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि दो अलग अलग से एरो निकल कर सेम में मिल जाए, तो यहाँ लिखेंगे कि नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, यानी कि दूसरे सेट में, इसका मतलब हुआ कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा निकल कर सेट बी में एलिमेंट बनाए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मेनी वन नहीं होगा, नॉट मेनी वन, यानी कि मेनी वन भले नहीं है लेकिन मेनी वन नहीं है, इसका मतलब है कि वन वन तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो उल्टा रिलेशन है। अच्छा, हम लोग फाइनली आंसर क्या बोलेंगे कि 1-1 है, इसका मतलब है कि इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है, इसका आंसर हुआ कि इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं हुआ। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो GIF से रिलेटेड है। GIF क्या है उसको हम लोग पहले बताएंगे कि GIF क्या होता है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और fx का वैल्यू दिया है x का GIF और फंक्शन दिया है r2r। तो पहले हम लोग GIF को समझते हैं, GIF को सूचित करते हैं इस ब्रैकेट से, GIF को इस ब्रैकेट से सूचित करते हैं, और GIF का एक वैल्यू है जैसे 2 का GIF बनेगा 2,
अगर हम लोग 2.1 रहेगा तो ऊपर भी बनेगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रहे या दो से ज्यादा रहे पॉइंट में इंटीजर तो इसका कुछ बनेगा। वही 2.9 का भी बनेगा 2, यानी कि 2 का GIF 2, 2.1 का GIF 2 और 2.9 का GIF 2। तो कहने का मतलब है कि 2 से लेकर 2.9 तक के GIF जो बनेगा सबका 2 बनेगा। अगर हम बोले कि 3 का GIF कितना बनेगा तो 3 का GIF बनेगा 3। अगर हम पूछे कि -3.4 का GIF क्या बनेगा तो देखिए 2.1 का GIF 2 बन रहा है क्योंकि इससे छोटा। GIF का मतलब होता है लोवेस्ट इंटीजर, तो 2.1 में सबसे लोवेस्ट 2 है, तो -3.4 में -4 लोवेस्ट है, तो -3.4 का GIF जो बनेगा वो -4 बनेगा। अगर हम कोई पूछता है कि -3.8 है तो इसका लोवेस्ट GIF क्या बनेगा, तो इसका लोवेस्ट GIF -4 ही बनेगा, क्योंकि अगर 0.8 का -4 बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि GIF का एक कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला बात कि ये फंक्शन किसमें किसमें है, R टू R है, इस फंक्शन को R टू R बनाए। R का मतलब ही होता है 0, इसके बीच में 1, इसके बीच में 2 और ऐसे भी नीचे इसके बीच का और -1 और बीच का आगे भी -1। रियल में 0 भी होता है 1 डॉट डॉट 2 और नीचे भी और -1 और डॉट डॉट -2 और ऊपर भी, और इसके बीच का फंक्शन f है, यानी फंक्शन r टू r है। और हमसे fx का वैल्यू जो दिया है वो gif का x है। अब यहां से x का वैल्यू आप देखेंगे कि अगर 0 लेंगे तो fx का भी वैल्यू 0 होगा क्योंकि 0 का gif 0 बनेगा। लेकिन अगर 0 से अगर आगे बढ़ेंगे 0.1 0.2 0.3 यानी कि यहां से लेकर सबका 0 में बनाएगा, सबका 0 में बनाएगा, लेकिन 1 का बनाएगा 1 में, 1 का 1 बनाएगा। अच्छा 1 पॉइंट जैसे ही होगा तो सबका 1 में ही बनाएगा, 1.2 का जी है। अगर 2 का तो 2 का तो 2 में बनाएगा, लेकिन और भी उससे बड़ा वाला होगा जैसे 2.1 2.3। इसका मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू अगर 0.5 लेंगे तब पर भी fx का वैल्यू 0 ही होगा। वही नहीं -1 का GIF क्या होगा, तो -1, लेकिन 0 पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो ऊपर ही जाएगा, -1 ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां से देख पा रहे हैं GIF x का वैल्यू 2 का भी fx का वैल्यू 2 था, 2.4 पर भी 2.4 पर भी fx का वैल्यू यानी 2.4 का भी gif 2 था, 2.8 का भी gif 2 था, fx का वैल्यू 2 था। तो ऐसे आप चीजों को फिगर में देख रहे हैं तो को डोमेन का रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि को डोमेन में तो पूरा आ जाएगा -1.5 भी होगा क्योंकि इसके इसके बीच का भी एक रियल नंबर है, टोटल रियल नंबर कोडोमेन में होगा, लेकिन रेंज में 0 1 2 -1 -2 ऐसे ही सिर्फ रेंज बनेगा। तो कोडोमेन और रेंज यहां पे बराबर नहीं है, यहां लिख सकते हैं हियर कोडोमेन डज नॉट इक्वल रेंज, सो हम बोल सकते हैं कि नॉट ऑन टू, यानी कि ऑन टू नहीं है, तो यहां पे ऑन टू नहीं होंगे। अच्छा दूसरा बात कि क्या यहां लेफ्ट वाले स्टेटर 1 से दो या दो से अधिक एरो निकल कर एक में जा रहे हैं, तो हाँ 0 से लेकर -1 के बीच में बहुत सारे असंख्य रियल नंबर हैं जिनका इमेज सिर्फ -1 में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो ही नहीं, दो से बहुत ज्यादा संख्याएं हैं जिसका सेम इमेज बन रहा है -1 या 0 या 1। तो यहां से बोल सकते हैं कि 2 और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन दूसरा सेट, यानी कि दूसरा सेट में दो या दो से अधिक एलिमेंट दूसरा सेट में सेम इमेज बना रहा है, सो हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमम है। जब मिनिमम है तो इसका मतलब क्या नहीं है, 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिलेशन उल्टा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सो इट इज नाइदर
neither 1-1 nor onto, यानी कि 1-1 नहीं है और नहीं onto है। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। प्रूव करने वाला केस था, सो करने वाला। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल लिखते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, और फंक्शन किसमें है तो आर टू आर है, यानी कि रियल टू रियल फंक्शन है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेंगे। तो मॉडुलस जो फंक्शन होता है, जैसे मान लिया कि मॉड है 2.5, 2.5 का मॉड होता है 2.5। अगर हम इसका निगेटिव भी लेंगे तो निगेटिव का फिर पॉजिटिव बनता है। इसका मतलब मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जो मोड के अंदर या तो पॉजिटिव रहे या तो निगेटिव रहे, हमेशा रिजल्ट जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है। अगर मान लिया कि -5 का मॉड क्या है 5, अगर 5 का मॉड निकालना रहेगा तो भी 5, यानी कि अगर मॉड के अंदर माइनस रहेगा तब पर भी उसका रिजल्ट 5, 5 रहेगा उसका भी रिजल्ट 5। तो मॉडुलस का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर मॉड के अंदर प्लस रहे या माइनस रहे उसका रिजल्ट प्लस ही देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो फंक्शन किसमें किसमें है, रियल टू रियल है। तो रियल का एक सेट बनाएंगे, रियल का सेट यहाँ है, रियल का सेट यहाँ है। और रियल में तो जानते हैं कि जीरो और उसके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी और एक और दो, फिर जीरो, उसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी और नीचे भी ऐसे होगा, और उसके ऊपर माइनस एक और उसके ऊपर भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो ये रियल की सेट है और रियल की सेट है, और हमसे बोला जा रहा है कि फंक्शन का वैल्यू जो है एफ एक्स का वैल्यू वो मॉड एक्स के बराबर है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम किसी का भी लेंगे, सपोज दैट जीरो, तो जीरो का भी तो जीरो मॉडुलस बनाएगा। एक्स का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं तो एफ एक्स का भी वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि जीरो का जीरो मॉड होता है। एक्स का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू वही देगा, लेकिन -1 लेने पे -1 देगा मॉड, एफ एक्स का वैल्यू दे देगा -1। अगर एक्स का वैल्यू -1 भी है तो -1, सॉरी 1 1, क्योंकि मॉड है ना, तो ऊपर -1 का 1 और 1 का 1। आप देख पाएंगे कि अगर इसमें से किसी से भी एरो निकलेगा, सबसे एरो निकलेगा, तो क्या इधर जाके मिल सकता है माइनस वाला में, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस है और मॉडुलस का रिजल्ट निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ का तो सेट खाली पड़ जाएगा, इसमें से तो कभी भी एरो जाकर इसमें से नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा। यहाँ से पता चला कि कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, लेकिन रेंज तो जीरो से नीचे ही होगा, तो कोड वगैरह और रेंज बराबर नहीं हुआ, तो नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं हुआ। अब अगर क्या सवाल उठता है कि मैंने वन होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि माइनस वन और वन दोनों का सेम इमेज बन रहा है वन में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू। दूसरे सेट में दो एलिमेंट उससे एरो निकलकर सेम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मेनी वन है। जब मेनी वन हो गया तो इसका उल्टा, मेनी वन का उल्टा वन वन, तो यहाँ पे वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। तो यहाँ से हम तो फाइनली बोल सकते हैं कि इट इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, यानी कि वन वन नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसलिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो चीजें बहुत आसान है, फिगर भी इसको समझिए, चीजें हार्ड नहीं लगेगी। अगर हार्ड लग भी रही है इसका मतलब आप पक्का है कि आप मेरे थ्योरी की वीडियोस को नहीं देखे हैं। तो प्लीज अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी वन वन ऑन टू मेनी वन को, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में दी गई है थ्योरी की लिंक, उसको आप बिल्कुल देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नंबर। हमको शो करना है, दिखाना है, इस बार जो फंक्शन दिया हुआ है इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ऐसे जो फंक्शन दिया हुआ रहता है सबके लिए कोई ना कोई कंडीशन है, वन तभी रहना है जो एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, यानी एक्स का वैल्यू जब जीरो से बड़ा रहेगा तो उस फंक्शन का वैल्यू एक रहना है, अगर जीरो रहेगा तो जीरो रहना है, -1 रहेगा तो जीरो से छोटा, यानी कि एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा रहेगा तो उसका वैल्यू फिक्स -1 देना है। तो इन सारी फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। तो पहले जो चीजें दिया हुआ है, जो चीजें दिया हुआ है फंक्शन रियल टू रियल, तो हम उसको रियल का सेट बनाते हैं।
ये रियल है, ये रियल है और ऐसा फंक्शन है रियल टू रियल। और रियल का मतलब जानते ही हैं कि जीरो से लेकर अनंत होती है और जीरो और एक के बीच में भी बहुत सारे असंख्य रियल नंबर होती है। तो जीरो, एक, दो और इसके पीछे माइनस एक और इसके पीछे भी, यानी कि जीरो और एक के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होती है और इधर भी माइनस एक और इसके पीछे भी। लेकिन यहाँ जो फंक्शन का वैल्यू दिया है ना, इसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि एक्स का वैल्यू अगर जीरो से बढ़ा लिया, जीरो से बड़ा का मतलब है एक, दो, तीन, चार, पांच, सात, ये सब क्या है, जीरो से बड़ी संख्या है। तो जीरो से अगर बड़ा लेंगे तो उसका वैल्यू एक ही लिखना है, यानी कि चार का इमेज एक, पांच का इमेज एक, यानी कि जब कोई संख्या जीरो से बड़ा होगा, जब जीरो से बड़ा होगा उसका वैल्यू एक लेना है। यानी कि जीरो का तो इमेज जीरो लेना है, सवाल बोल चुका है कि अगर एक्स जीरो रहेगा तो जीरो का इमेज जीरो बनाना है, जीरो का इमेज जीरो। लेकिन जब जीरो एक्स में अगर जीरो का वैल्यू बड़ा ले रहे हैं जीरो से, तो उसका सम का वैल्यू वन बनाना है। तो जीरो से बड़ा तो इधर है, इधर जीरो पॉइंट एक भी जीरो से बड़ा है, जीरो पॉइंट टू भी जीरो से बड़ा है, यानी कि इधर वाला जितना भी एलिमेंट है नीचे जीरो से बड़ा चाहे अनंत तक जाएंगे वो सब, सबका इमेज एक में बनेगा, सबका इमेज एक में ही बनेगा। क्योंकि सवाल पहले ही बोल चुका है कि जीरो से सभी बड़ी संख्या का एक में ही जाकर जाना है, सिर्फ एक में, बाकी और किसी में नहीं। सेम थिंग्स, अगर x का वैल्यू जीरो से छोटा होता है तो उसका इमेज केवल और केवल माइनस वन में मिलाना है। तो जीरो से छोटा संख्या इधर इसके पीछे वाले हो गए अनंत तक निगेटिव होगा, सबका इमेज माइनस में जाकर मिलेगा, माइनस वन में जाकर मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, कोडोमेन में तो पूरा रियल का सेट होगा लेकिन रेंज में तो यही पूरी संख्या होगा। यहां से पता चला कि कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, सो नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा, अगर बराबर होता तो ऑन टू। अच्छा, दूसरा बात कि क्या ये मिनिमल है, तो बिल्कुल मिनिमल है, क्योंकि एक ही दो नहीं बहुत सारी अनंत संख्याएं का सेम इमेज माइनस वन में बन रहा है। यहां देखेंगे कि टू और मोर एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, यानी कि दूसरी सेट में ए से ज्यादा एलिमेंट दूसरे सेट में इमेज बना रहा है, तो ये क्या है, ए मिनिमम, ए मिनिमम है। तो जब मिनिमम है तो क्या नहीं है, तो मिनिमम का उल्टा होता है वन वन, तो मिनिमम है तो ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है, यही तो प्रूव करना था। सो इट इज नाइदर, नाइदर वन वन नॉट ऑन टू, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमको सवाल प्रूव करना था कि ये वन वन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसने आपको ए, ए का एक सेट दे दिया है क्वेश्चन में, बी का भी सेट दे चुका है और साथ में फंक्शन का भी सेट दे चुका है, पर हमको बोल रहा है कि सो कीजिए कि ये वर्मन फंक्शन है। तो पहले तो ए का सेट दे दिया है, क्या ए का सेट है, तो ए का सेट वन है, टू है, थ्री है, इस सेट का नाम ए है। दूसरे सेट का नाम बोल रहा है कि बी है और इस सेट में फोर है, फाइव है, सिक्स है और सेवन है। और इसमें फंक्शन जो बता रहा है, फंक्शन बता रहा है कि एक का इमेज चार में है, एक का इमेज चार कर दिया, दो का इमेज पांच में है, दो का इमेज पांच कर दिया, तीन का इमेज छह है, तीन का इमेज छह कर दिया, और बोल रहा है कि ये वर्मन फंक्शन है, प्रूव कीजिए। तो वर्मन को चेक करने के लिए पहले हम लोग मिनिमम को चेक करते हैं। तो मिनिमम को चेक करने से पहले मिनिमम को चेक कीजिए, तो क्या यहां से दो एलिमेंट है जिसमें इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट बी, यानी कि कोई भी दो से ज्यादा ऐसा एरो नहीं निकल रहा है जिसका सेम जाकर बी में मिल रहा हो, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मेनी वन नहीं है, ये मेनी वन नहीं है। जब मेनी वन नहीं है तो क्या है, फिर वन वन है,
क्योंकि many one का उल्टा one one है। फिर सवाल पूछा है सर one two into को क्यों नहीं चेक किए, तो हम सवाल पढ़ेंगे, हमको तो सिर्फ बोल रहा था कि one one को चेक कीजिए, one one है कि नहीं, तो one one को ही चेक करने के लिए मैंने many one को चेक किया, तो many one नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये one one function है। तो यहाँ one one function हो गया, so लिख सकते हैं कि so eight age one one function true। तो ये वर्मन फंक्शन हो गया, यहाँ पे ए और बी का सेट भी दिया हुआ था, इमेज भी दिया हुआ था फंक्शन, तो सिर्फ हम लोगों को फिगर बनाकर इसका काम कर देना था। अब सातवें नंबर क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, आप अगर बुक से मिलाएंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेक कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि यह वर्मन है, ऑन टू है, इन टू है, मतलब कि हमको जस्टिफाई आंसर देना है कि यह वर्मन और ऑन टू कैसे है। तो चलिए इसको हम जस्टिफाई कराते हैं। पहले बात फंक्शन आर टू आर में है, तो हम लोग R टू R का सेट बनाए, R का और दूसरा भी R का। अब इसमें फंक्शन R टू R है तो 0 और इसके बीच में होगा माइनस 1 और इसके पीछे भी 1 होगा और इसके ऊपर भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, 0 इसके ऊपर 1 इसके ऊपर बहुत सारी संख्याएं है, माइनस 1 और इसके नीचे बहुत सारी संख्याएं है। बोल रहे हैं कि fx का वैल्यू 3-4x, यहाँ पे fx का जो वैल्यू दिया है 3-4x है। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो fx का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो x के जगह पे 0 तो ये हो जाएगा पूरा 0 और 3 में से 0 गया तो 3। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे यानी कि 0 का इमेज कहाँ बनेगा, तो 0 का इमेज कहीं ऊपर जाकर 3 में बनेगा। तो x का वैल्यू अगर 1 लिए हैं तो यहाँ बनेगा 4 एक 4 और 3-4, fx का वैल्यू बनेगा -1, यानी 1 का इमेज कहाँ बनेगा, तो 1 का इमेज -1 में बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 0.5 लेते हैं तो fx का वैल्यू क्या बनेगा, तो x का वैल्यू 0.5 लेते हैं यानी कि 1/2 लेते हैं तो 2 से 2 कटेगा, fx का वैल्यू 1 बनेगा, यानी कि 0.5 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगा और इसका वैल्यू 1 में जाकर इमेज बनेगा। तो ऐसे आप चीजों को कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि सबका इमेज यानी कि ए से सबसे एलिमेंट से इमेज निकल कर कहीं ना कहीं सब जाकर बी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न तो स्क्वायर है न क्यू है, यानी कि सबसे एरो निकल कर बी के हर एक पार्ट में यानी कि सेट बी में यानी कि दूसरे सेट में सब एलिमेंट में जाकर एरो मिलेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। हम तो लोग 3-4 को लेकर चेक करते हैं, बाकी और भी अगर अनंत केस करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि कोडोमेन ऑरेंज बराबर है, और कोडोमेन ऑरेंज बराबर होता है तो यहाँ पे ये चीजें ऑन टू हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि क्या ये मेनी वन है या वन वन है, तो यहाँ पे एक चीज और देख पाएंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए, कभी नहीं हो सकता है, यहाँ लिखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट इन हैज सेम इमेज इन सेट टू, दूसरे सेट में, सो हम बोल सकते हैं कि ये मेनी वन नहीं है, यानी कि क्या है, वन वन है। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनली ये कौन सा फंक्शन है, तो इट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं जैसा कि थ्योरी में सीखे थे, वन वन ऑन टू फंक्शन। देखते हैं सातवां का दूसरा है, इसको भी जस्टिफाई कराना है, चेक कराना है कि ये वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो पहला बात वही है, रियल टू रियल सेट है, तो रियल और रियल का सेट बनाइए, ये आर है, ये आर है, जीरो और एक के बीच में बहुत सारी संख्या है, उसी तरह से दो आएगा नीचे आएगा, ऊपर में -1 -2। अब देख पा रहे होगे कि हम कभी भी वन और टू कभी ऊपर नीचे लिख रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी सेट बना सकते हैं, लेकिन सभी रियल सेट आने चाहिए, चाहे ऊपर प्लस बनाए चाहे नीचे माइनस बनाए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन टू और उसके नीचे, क्योंकि रियल का सेट है तो इसीलिए हम डॉट डॉट दे रहे हैं बीच में, कि वहां पे बहुत सारी संख्याएं होंगी और इसमें फंक्शन दिखा रहा है। और यहाँ से देख पा रहे होंगे fx का जो वैल्यू दिखा रहा है 1+x2 है, अगर आप चेक करेंगे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो fx का वैल्यू होगा 1, यानी कि 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 का इमेज 1 में बनेगा। अगर x का वैल्यू वही नहीं 1 रखते हैं तो fx का वैल्यू कितना बनेगा, तो 2 बनेगा,
यानी कि वन रख रहे हैं तो टू बन रहा है। एक्स का वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन रखते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू देखिए तो क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन रखेंगे तो ऊपर भी टू बनेगा, यानी कि इसका इमेज। अब इतना इसके अलावा आप अगर ये देख पा रहे होंगे कि क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का भी कोई सा भी संख्या रहे इधर से अगर स्क्वायर कराएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब यहां से जितना भी एरो निकलेगा सब जीरो के नीचे, यानी कि जीरो से बड़ा ही, जीरो से बड़ा में ही सबका एरो जाएगा, निगेटिव वाला में किसी का नहीं जाएगा। कारण यह है कि स्क्वायर है, स्क्वायर भी पॉजिटिव देगा और उसके साथ पॉजिटिव जोड़ना भी है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोडोमेन का तो पूरा सेट हो जाएगा लेकिन रेंज का जो सेट बनेगा जीरो से नीचे ही बनेगा, जीरो से बड़ा ही बनेगा। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है। हम इसलिए बोलेंगे कि ये नॉट ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी बातें हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वन वन या मेनी वन बनाएगा, तो मेनी वन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि सेट ए से कम दो या दो से अधिक है, अलग अलग से सेम में जाना चाहिए, तो माइनस वन और वन का भी सेम में जाएगा। उसी तरह से आप चेक कर पाएंगे तो माइनस टू का और टू का सेम जाएगा, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होता है और टू का भी स्क्वायर फोर होता है, और उसमें वन जोड़ेंगे तो माइनस टू और टू का बनेगा फाइव में जाएगा एरो। तो दोनों से दो अलग अलग से सेम में जा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, सो ये मैनिमन बनेगा, ये मैनिमन बनेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं वन वन नहीं बनेगा। और हमको चेक करना था कि वन वन और वन टू के बारे में कि क्या वन 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 टू है, तो हम यहां से लिखेंगे कि सो इट इज नाइदर, नाइदर का मतलब न ही वन वन है और न ही वन टू है, नाइदर वन वन नॉर वन।